वी आर सिटिंग हियर से, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहती। अभी तो जुम्मे जुम्मे आए हो राज्यसभा से, एंड देन यू आर गोइंग टू जज अस? भूल गए आप तो थे नहीं था सर। 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है। हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स इंडिया इज गॉन डाउन, हंगर इंडेक्स डाउन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स डाउन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स डाउन। हाउ आर यू गोइंग टू पे दिस? बाय सेलिंग द फैमिली सिल्वर। फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेचते, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार। सर, आई स्टैंड हियर टुडे ऑन बिहाफ ऑफ द NCP एंड द इंडिया टीम टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। सर, व्हाई डू यू रियली थिंक वी ब्रॉट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? इज बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, and that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice, of what the citizens of India feel, and that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoi ji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economist the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur. But there are a few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind, is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले, every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you are going to judge us. भूल गए आप तो थे नहीं था. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. दे आर जजिंग ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. वी आर नॉट ऑफिसर्स, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स. प्रधान सेवक, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. सो इट्स द एटीट्यूड ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ह्यूब्रिस, देयर इज नो अदर वर्ड. एंड व्हाई आर वी फीलिंग, जैसे नवरत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. सो नवरत्न 9 साल, बिकॉज दे हैड दिस बिग कैंपेन, ऑल द मिनिस्टर्स वर सेंट ऑल ओवर द कंट्री टू टॉक अबाउट द न्यू 9 points. In 9 years, the achievements, in short, I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Rice, mehngai, bahut ho gayi mehngai ki maar, ab ki baar, shayad sabko yaad hoga. LPG ki price, Karnataka election mein dikha diya LPG ka kya hota hai fair. Institute broken. How many institutes have been broken? जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला, ये गले की हड्डी हो गया ना, नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है, दैट इज द प्रॉब्लम. इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन. एंटी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल बोल के हम थक गए. इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी विच आई विल बी कमिंग टू इन 2 मिनट्स. एंड लॉ एंड ऑर्डर विच इज अलार्मिंग इन मणिपुर, हरियाणा, JNK एंड 1 or 2 केसेज ऑफ महाराष्ट्र. सर, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. दिस इज इट. एंड व्हाट इज इट? 7 sins ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिक्स. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. आई गॉट 7 sins ऑफ महात्मा गांधी. उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स.
और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की बात. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सप्ताह. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब गुजरात महाराष्ट्र में इतना प्याज था मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को. मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली देर वर लेस अनियंस, देर वॉज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस. व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट. मिल्क आज यहां से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन. या why I don't have in this, I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Yes. Farm laws ke bare mein aapne bola, doubling of income ke bare mein bola, kaun sa income double. Aur doodh ke bare mein isi sarkar ne ek ordinance, ek paper nikala tha ki we will allow import of milk from abroad. When there is surplus in this country, yahan ke kisan ko bhav nahi mil raha hai to aap bahar se kyun doodh la rahe? Pyaaz to nahi bhej rahe? प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? इंडियन रैकी, इंडियन आई एम नॉट यील्डिंग. मोदी जी आई विल हैप्पी टू टेबल. मिस्टर पवार हैड रिटन टू द मिनिस्टर, आई बी हैप्पी टू टेबल इट. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan ji, there's a tweet I remember where there were issues raised. Achhe din kehte the aap, achhe din aayenge. Main puchna chahti hu, health and survey index, India has gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World Happiness Index down, Environment Protection Index down, Gender Equality down, Democracy down, so many. और कितने भी पढ़ाओ और टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितने आपको गिनवाऊ जा, आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट. आई वॉन्ट रिपीट इट. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, भिगवंड. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है, नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से एक सेकंड में. बस देखे जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, यह ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहां दौंड स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकी, न वंदे भारत रुक रही है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है. मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले. इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ इज द डेट ऑफ दिस गवर्नमेंट.
178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the end of March 23 from US 440, 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेचते, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया. But percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. So demonetization karke pya paya aapne? Failure. Non-performing assets, 18.2 lakh crores. Non-performing assets. Ye agar write-off kar rahe ho, to kisan ka bhi kar do. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. अनदर थिंग, इंडिया रीनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप. हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स 12 लाख हैव लेफ्ट दिस कंट्री. हाउ विल द इकोनॉमी ग्रो ऑफ दिस कंट्री? डबलिंग ऑफ फार्मर्स. नाउ इफ दिस आर द क्वेश्चंस, हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हो उसके हाल क्या है. हाउ कैन वी सपोर्ट दिस गवर्नमेंट? सब आप बताइए. Now is the main, 2 minutes only, last point sir, which is the most important, that's why ye sab hua, is this shameful blunders in Manipur of the state government. And I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burnt, 3,662. Religious places burnt, 321. Companies by central, the companies of central force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. And I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NIA court, this Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah Ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What senior is BJP. The, and a senior, senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So, is this government anti-national? Is yes. my question. Yes. I'm asking a question. Yes. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask, that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are Indians first. Yes. Kisi ki to beti hai, kisi ki to bahu hai, kisi ki behen hai, kisi ki biwi hai. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, antaratma se ek bar pooch lijiye. How can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. Government is going to keep quiet. Ji. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do? Har desh mein kisi ki bhi, Maharashtra mein bhi ho bhi ki thi, Rajasthan ki ho, kisi ki bhi ho, wo kisi ki bhi beti hai. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay, I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. Guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that
2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Mr. Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you.